फ्लूइड फ्लो, नाम से ही पता लग रहा है फ्लूइड क्या करने जा रहा है, फ्लो, तो इसका मतलब प्रेशर पाइप के दो एंड पे सेम नहीं होगा, प्रेशर डिफरेंस तो होगा, तो इसलिए फ्लूइड फ्लो हो रहा है। फ्लूइड फ्लो का चैप्टर जो स्टार्ट है वो एक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट है या वो एक टॉपिक के साथ स्टार्ट है कि लिक्विड पाइप में मूव करता कैसे है। एक लिक्विड जब पाइप में मूव करेगा तो वो दो तरीके से मूव कर सकता है। पहला तरीका जिसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, दूसरा तरीका जिसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्ट्रीमलाइन किसे बोलते हैं, कभी सुना आपने स्ट्रीमलाइन क्या होता है? स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन सेम पाथ से जा रहा है। अच्छा, और इसे स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, पॉइंटेड, लंबी। स्ट्रीमलाइन कुछ नहीं है यार, एक रास्ता है, एक टेढ़ा रास्ता है, सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेंथ वाइज, लेंथ वाइज। हम बोलते हैं गाड़ी की शेप स्ट्रीमलाइंड है, लंबी ऐसी है, स्ट्रीमलाइंड है। तो हाँ, आना एरोडायनेमिक्स का एक चैप्टर है, बिल्कुल सही। तो इसमें प्लेन ही उड़ाने, चिंता ना कर अभी हमने, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, व्हेन अ लिक्विड, स्ट्रीमलाइन का मतलब है ये एक पाथ है, ये एक स्ट्रीमलाइन है, इस रास्ते के थ्रू एक लिक्विड का पार्टिकल जा रहा है। तो पाइप में जब लिक्विड का पार्टिकल जाएगा जिस रास्ते के थ्रू जा रहा है वो स्ट्रीमलाइन है, और इस टाइप के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी है, लिक्विड का जो पार्टिकल है उसकी खास प्रॉपर्टी है, वो कैसे जाएगा उसको समझते हैं। जैसा आपने बताया, ये मान लो लिक्विड का पार्टिकल जा रहा है, लिक्विड का पार्टिकल जिस भी रास्ते से जा रहा है, मैं अपना डायग्राम बनाता हूँ इसमें, लिक्विड का पार्टिकल मान लो जिस भी रास्ते से जा रहा है वो कुछ वेलोसिटी रिक्वायर करेगा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक लिक्विड का पार्टिकल ये रास्ता फॉलो कर रहा है, पहले वो यहाँ पे आया, फिर वो यहाँ पे आया, फिर वो यहाँ पे आया, एंड सो ऑन, राइट। स्ट्रीमलाइन के अंदर अगर मैं कह रहा हूँ लिक्विड का पार्टिकल यहाँ पे आया, और अगर मैं इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, तो दिस टेंजेंट विल गिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, यहाँ डायरेक्शन पता लग जाएगी। अगर मैं यहाँ पूछूँ डायरेक्शन क्या है, ड्रॉ अ टेंजेंट, यहाँ पूछूँ डायरेक्शन क्या है, ड्रॉ अ टेंजेंट, तो तुम्हें पार्टिकल के पॉइंट्स पे जस्ट एक वेक्टर ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, वहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी। मान लेते हैं एक पाइप है, चलो ये एक पाइप है, इस पाइप की सिचुएशन शो कर रहा हूँ मैं, एक पार्टिकल इस रास्ते को फॉलो करता हुआ आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, 9 मीटर पर सेकेंड है, कुछ भी बढ़ती जा रही है, नीचे आने में बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब अगर मान लो इसका बिल्कुल अगला पार्टिकल तैयार है आने के लिए, ये रहा इसका अगला पार्टिकल भी होगा लिक्विड का, अगला पार्टिकल भी अगर एग्जैक्टली यही रास्ता फॉलो करे, जो बिल्कुल इसके पीछे का पार्टिकल है वो इधर उधर जिगजैग पाथ में ना जाए, यही रास्ता फॉलो करे इसके पीछे पीछे, और वेलोसिटीज भी 2, 5, 9 ही एक्वायर करे, डायरेक्शन भी सेम रखे, कुछ भी चेंज ना करे, जो इसके पहले पार्टिकल ने किया बिल्कुल वही करे, और जो अगला पार्टिकल है वो भी एग्जैक्टली यही करे जो इसके दो अगले पार्टिकल ने किया था, और जो अगला पार्टिकल है वो भी एग्जैक्टली वही करे जिनके अगले 3 पार्टिकल ने किया था, रास्ता भी चेंज ना करे, वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज ना करे, इस टाइप के फ्लो को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और कभी कभी इसका दूसरा नाम है स्टेडी फ्लो, और एक फ्लो है टर्बुलेंट, जिसकी गारंटी नहीं है। टर्बुलेंट फ्लो में ये पार्टिकल यहां पर अगले इंस्टेंट पे कहां पर पता ही नहीं, वो मिक्स ही हो गया, इतना तेज प्रेशर है, मिक्स हो के इट गेट्स चर्नड अप, मिक्स हो के पानी निकल रहा है, पता ही नहीं झाग बन बन के बाहर निकले जा रहा है, उसको नहीं आप स्टडी कर सकते टर्बुलेंट को। इसको तो स्टडी कर सकते हो, मैं आपसे वैसे ही पूछ लूँ कि जो अगला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी, अगला पार्टिकल है यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, आप बोल सकते हो कि 5 है, क्योंकि इससे पहले के पार्टिकल ने 5 एक्वायर की थी, तो इसने भी 5 ही करनी है, क्योंकि ये कौन सा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और स्ट्रीमलाइन फ्लो को स्टडी किया जा सकता है, इसकी वेलोसिटीज प्रिडिक्टेड है। टर्बुलेंट का मतलब जिगजैग पाथ, पता ही नहीं कोई पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल, पता ही नहीं कौन सा पाथ फॉलो करेगा, तो वो टर्बुलेंट फ्लो है। हम टर्बुलेंट फ्लो को स्टडी नहीं कर सकते, हम करते ही नहीं, हम किसको करते हैं, हम स्ट्रीमलाइन को करते हैं। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन भी बना दी है, देखो, व्हेन अ लिक्विड फ्लोस सच दैट ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड पासिंग अ गिवन पॉइंट मूव्स अलोंग द सेम पाथ एंड हैज द सेम वेलोसिटी एज इट्स प्रेडिसेसर,
दी फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टडी फ्लो। भाई इसके पहले पार्टिकल ने जो अक्वायर किया अगला भी वही अक्वायर कर रहा है, उसका अगला भी वही अक्वायर कर रहा है, उसका अगला भी वही अक्वायर कर रहा है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और दूसरा फ्लो क्या है? टर्बुलेंट। थोड़ा ये लाइन चिपकी हुई है, इसमें काफी स्पेस नहीं डाल पाए। व्हेन द लिक्विड वेलोसिटी एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, कह रहे वेलोसिटी कुछ ज्यादा ही हो गई, मैं ही पढ़ पा रहा हूं, आप भी पढ़ पा रहे होंगे, ध्यान से देख लें, इज कॉल्ड अ क्रिटिकल वेलोसिटी, तो द लिक्विड फ्लो बिकम ज़िगज़ैग। वो कह रहे एक खास, मतलब आपने एक स्ट्रीमलाइन फ्लो बनाया, बड़े प्यार से स्टडी फ्लो से लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक वेलोसिटी आई, तुमने कहा कि चलो और तेज करो पानी, और तेज करो, और तेज करो, और तेज करो, वो इतना तेज हो गया, एक वेलोसिटी थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर गया, उसके बाद इतना प्रेशर बढ़ गया कि जगह तो थी नहीं, जगह तो उतनी की है, तो पानी जिगजैग आना स्टार्ट हो गया, तो फ्लो क्या हो गया? टर्बुलेंट। तो यानी कि एक वेलोसिटी है जिसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर आपकी वेलोसिटी क्रिटिकल से कम है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और अगर आपकी वेलोसिटी क्रिटिकल से ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कट ऑफ वैल्यू है, ऊपर जाएंगे तो टर्बुलेंट है, नीचे रहेंगे तो स्ट्रीमलाइंड है। तो हम इस चैप्टर में किसको स्टडी करने जा रहे हैं? स्ट्रीमलाइंड या स्टेडी फ्लो को। इसके अंदर एक और फ्लो होता है जिसको लैमिनर फ्लो बोलते हैं। लैमिनर फ्लो का मतलब लिक्विड को स्टडी करना इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर सी लेयर, फिर डी लेयर, जो ये बताती है वो नॉर्मली इस चैप्टर में चलती नहीं है। लेयर्स चलता है विस्कोसिटी को समझने के लिए। कि हम कहते हैं कि अगर मान लो सभी लेयर्स की वेलोसिटी सेम है तो विस्कोसिटी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन। और अगर एक लेयर तेज है, एक स्लो, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी है। तो इस चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट का नाम मतलब यूज नहीं है, वैसे बता दिया कि ये भी एक टाइप का फ्लो है। यह एप्लीकेशन में डिपेंड करता है कि हम कौन से फ्लो को इमेजिन करके अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। इस चैप्टर में स्ट्रीमलाइन फ्लो के साथ काम चलेगा। एक वेलोसिटी है जिसका नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी, बता दिया। तो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, जिसके बाद जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा, टर्बुलेंट होगा। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी की का एक्सप्रेशन लिख लें अपने साइड बुकलेट पे, एक मिनट। मान लो वो बोलता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी को डराइव करो, तो ऐसे डराइव कर रहे हैं आपने, लिखें, ये इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग सही नहीं है, तो लिखें क्रिटिकल वेलोसिटी depends upon density of the liquid raised to power a, density of the liquid raised to power a, it depends upon coefficient of viscosity of the liquid raised to power b, and depends upon diameter raised to power c. लिख लेना d for diameter of a pipe, ये pipe का क्या है? diameter. तो critical velocity is some constant into रो रेज टू पावर ए, ईटा रेज टू पावर बी, डायमीटर रेज टू पावर सी। क्रिटिकल वेलोसिटी एल टी माइनस वन, के फॉर कॉन्स्टेंट, रो का मतलब डेंसिटी, एम एल माइनस थ्री रेज टू पावर ए, ईटा का मतलब एम एल माइनस वन टी माइनस वन रेज टू पावर बी, और डायमीटर का मतलब लेंथ रेज टू पावर सी। अगर आप यहाँ से सॉल्व करें और ए बी सी की वैल्यू को निकालें, तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी कितने, बुकलेट यहां से एबीसी की वैल्यू निकलनी चाहिए जो आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आने वाला है ईटा रो डी। अब देखें ये फॉर्मूला आपको याद भी करना है वैसे, तो इसमें ईटा की पावर हमने क्या यूं की थी? बी, तो ये वन आएगा और बाकी सारे माइनस वन आएंगे। मतलब आपको पेपर में तो सॉल्व भी करना है। वो कहेगा आपको याद है यूनिट्स एंड डायमेंशन में बहुत आता था ये सेम क्वेश्चन, सेम ही तो क्वेश्चन था कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। अब पूछते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, मैं बोलता हूँ वेलोसिटी एल टी माइनस वन ही होती है, यूज़ कर लो, ये वही है। क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ए बी सी तीन क्वांटिटीज, और ये एक्सप्रेशन आता था क्रिटिकल वेलोसिटी का। अगर पेपर में आ जाए एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, तो प्लीज़ आप इस तरीके से इसे मार्क करके आएँ, और जब ये मार्क करेंगे तो यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी में जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को आर लिख सकते हैं। आर लिख लें इस स्टेप के बाद, ये लिख लें वेयर आर स्टैंड फॉर रेनॉल्ड्स नंबर, लिखा हुआ है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा। वेयर के की जगह आर लिख सकते हैं, और आर का मतलब है रेनॉल्ड्स नंबर। बताता हूँ ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या है। और मेरे को याद है यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर भी एक क्वेश्चन होता था रेनॉल्ड्स नंबर, आप पूछते थे ये क्या है, मैं बोलता था कांस्टेंट कोई नंबर होता है, छोड़ दो इसे, डायमेंशनलेस है। पढ़ लेना, अभी पेपर आ ही रहा है आपका, पढ़ ही लोगे तब तक।
ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा यहां तक, ठीक है यहाँ तक हो जाएगा ये, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा जो करके आना है। आपने एक चीज़ नोट की, स्टोक्स लॉ भी यूनिफॉर्म डायमेंशन से प्रूफ है, क्रिटिकल भी उसी का प्रूफ है, पॉइसलीज भी उसी का प्रूफ है। भूल मत जाना, एक का डाल भी देगा कोई ना कोई स्कूल का टीचर इसमें, स्कूल के लिए है ये, कॉम्पिटिशन का कोई काम नहीं है इसमें। कॉम्पिटिशन में एप्लीकेशन है, वो मैं PYQ कराऊंगा तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें। तो इसके अंदर ये टर्म आ गई, देखो नेक्स्ट आ गया रेनॉल्ड्स नंबर। अब जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसमें रेनॉल्ड्स नंबर आया था, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो क्रिटिकल वेलोसिटी थी उसका फॉर्मूला चेक करो, रेनॉल्ड्स नंबर इनटू ईटा वी, और ईटा रेनॉल्ड्स क्रिटिकल वेलोसिटी की जो वैल्यू है रो और डायमीटर ये थी, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला है वो ये आएगा, लिख लो यार ये लिख लो, अपने अपने हाथ से लिख लो, रेनॉल्ड्स नंबर का ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या बताती है? क्रिटिकल वेलोसिटी ये बताती है कि आपका लिक्विड की अगर वेलोसिटी क्रिटिकल से बड़ी है तो टर्बुलेंट फ्लो है ना, जिगजैग मोशन होगा, और अगर वेलोसिटी कम है क्रिटिकल से तो फिर स्टेडी फ्लो है, यही बताती है क्रिटिकल। रेनॉल्ड्स नंबर भी यही बताता है, रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है आर, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है जो आर, पहले ये लिख लो यहाँ तक। अब देखो ना, अगर आर बड़ा होगा तो गारंटेड है क्रिटिकल वेलोसिटी भी बड़ी होगी, अगर आर बड़ा होगा क्रिटिकल बड़ी होगी तो टर्बुलेंट फ्लो है, आर छोटा होगा क्रिटिकल छोटी होगी तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो अंडरलाइन कर लो ये वैल्यूज, कि अगर आर की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 या 2000 तो फ्लो स्ट्रीमलाइंड है या फिर लेमिनर है या स्टेडी फ्लो है, कुछ भी बोल सकते हैं, आपका फ्लो लेमिनर या स्ट्रीमलाइंड है अगर आपकी आर की वैल्यू 0 और 2000 के बीच में है। इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 और 2000 के बीच में लेमिनर या स्टेडी या लेमिनर स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अगर आर की वैल्यू 3000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट फ्लो है, अगर न्यूमेरिकल में आर ग्रेटर देन 3000 है तो टर्बुलेंट फ्लो है, और अगर दोनों के बीच में है तो अनस्टेबल है। पता नहीं यार टर्बुलेंट से कब स्ट्रीमलाइन हो जाए और स्ट्रीमलाइन से कब टर्बुलेंट हो जाए, मैं बोल नहीं सकता, मैं कह नहीं सकता। तो मेन वैल्यूज हैं या तो 2000 से नीचे या 3000 से ऊपर, बात ही खत्म। ठीक, तो इसके ऊपर तो PYQ मेंस वालों ने पूछ भी रखा है इसकी वैल्यू के ऊपर, तो तुम्हें PYQ में मिल भी जाएगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? एक आध ज़्यादा नहीं, एक आध क्वेश्चन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है।